30 है। उसके बेसिस पे आपका एक मेटाबॉलिक एज निकलता है सो so, चल रहा है वो समझ में आता है मॉडर्न लाइफ में फिट रहना भी एक चैलेंज बन गया है और जिस तरह पूरे कंट्री में और पूरे ग्लोब में ओबेसिटी केसेस बढ़ रहे हैं ओबेसिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है

I'm also a founder and director of a clinic called as Metabol which is India's first lifestyle clinic for metabolic syndrome. I'm also a aviation medical examiner for DGCA government of India and FAA government of USA. I'm also a member and an executive member of International Metabolic Physicians Association. We are also called, uh, associated with डीवा पाटिल यूनिवर्सिटी नवे मुंबई आज का पॉडकास्ट हमारा है ओबेसिटी पे तो जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ओबेसिटी होती क्या है सो प्लीज हमें बताइए कि वॉट इज ओबेसिटी सो so, ओबेसिटी जिसे हम हिंदी में मोटापा भी कहते हैं ये एक जटिल बीमारी है जिसके वजह से बहुत सारा वसा जिसे हम फैट कहते हैं ये अधिक मात्रा में अपने शरीर में जमा हो जाता है और उसके वजह से अपना वज़न बढ़ने लग जाता है मोटापा ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक चिंता नहीं है कॉस्मेटिक चिंता का विषय नहीं है ये गंभीर समस्या है क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ में आता है और ये डिजीज़ जिसके कारण बहुत सारे बाकी के डिजीजेस बाकी की बीमारियाँ इसका आमंत्रण हो जाता है बहुत सारे डिजीजेस अपने शरीर में आ जाती है क्योंकि वो जो बाकी के डिजीजेस का मैं जो बात कर रहा हूँ ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कि मोटापा बढ़ जाता है तो उसके कारण हृदय रोग जिसे हम हार्ट डिजीजेस कहते हैं उच्च रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल और डिसलिपिडेमा कहा जाता है एपनिया नाम की बीमारी होती है उसका चांसेस बढ़ जाता है पी सी ओ डी पी सी ओ एस फीमेल्स में जो है उसमें कंट्रोल नहीं रहता है मोटापा बढ़ जाता है इसके लिए कई सारे कैंसर्स है कई प्रकार के कैंसर्स है जिनका एक डीप कनेक्शन है उनका एक कनेक्शन है जो मोटापा से डायरेक्टली लिंक हो जाता है तो ये सारी बीमारियों का चांसेस भी मोटापा के वजह से बढ़ जाता है तो अब जब हमें पता चल गया है कि ओबेसिटी होता क्या है लोग कैसे पहचाने कि वो ओबेसिटी की ओर बढ़ रहे हैं और इसका क्या एग्जैक्ट कुछ आ, माप कर सकता है कोई कि हाँ वो ओबेस हो रहा है या उसकी तरफ बढ़ रहा है सो so, पहली बात तो जब हम आज का पॉडकास्ट कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में बट एक चीज है उसके पहले आती है वो है ओवर वेट ओवर वेट की वजह से अगर हम उधर सिग्नल स्टॉप नहीं कर देते तो हम लोग ओवर से ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आज ये पॉडकास्ट आम जनता के लिए है तो हम आम तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि विदाउट गोइंग इन मेडिकल टर्म्स कि अगर आप अपना ढाइना हाथ ऊपर करते हो और आपके पेट के घेरे के पास लेके आते हो जितना वसा जितना फैट आपके हाथ में आता है तो समझ जाइए कि आपका ये मोटापा बढ़ गया है जितना ज़्यादा आएगा उतना सीवियरिटी ऑफ ओबेसिटी दिखने में आता है सो so, ये बहुत आम चीज़ मैं कह रहा हूँ बोलने के लिए मगर अगर इसको हमको मापना है और समझना है सो so, हम लोग ये बी जो है ये एक पैरामीटर है जो देखा जाता है आपका शरीर में कितना ओवरवेट और ओबेसिटी कैटेगरी में आप आते हो तो so, उसका एक फॉर्मूला आता है वेट इन टू योर हाइट सो हाइट इज़ एग्जाम्पल इफ़ योर वेट इज़ एटी केजीज एंड योर हाइट इज़ अराउंड 174 इट इज इक्वल टू द स्क्वायर सो उसके फार्मूला के बेसिस पे आपका बी एम आई कैल्कुलेट होता है बॉडी मास इंडेक्स सो समझो ये जो फॉर्मूला मैंने बोला अगर एटी सेवेंटी फोर का स्क्वायर है सो योर आर बी एम आई इज़ कमिंग अराउंड ट्वेंटी सिक्स सो ट्वेंटी सिक्स है मतलब यू आर गोइंग इन ओवर वेट कैटेगरी अगर सिंपल टर्म में और बताना है तो इसका ग्रेडिंग सिस्टम होता है एटीन टू ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन इज़ नॉर्मल बी एम आई अगर एटीन के पहले आता है तो अंडर नरिश्ड लोग भी रहते हैं अंडर वेट भी रहते हैं सो एटीन एंड बिलो इज़ अंडर वेट एट इन टू ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन विच इज नॉर्मल ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट के बीच में जब आते हैं इट इज ओवर वेट कैटेगरी सो ओवर वेट के ऊपर जब जाता है तो क्लास वन टू एंड क्लास थ्री टाइप ऑफ ओबेसिटी सीन एनी बी एम आई गोइंग अबाउट थर्टी फाइव इज मॉरबिड ओबेसिटी दैट इज सीवियर क्लास ऑफ ओबेसिटी सो ये एक पैरामीटर ही है जिसको बॉडी कम्पोज बॉडी मास इंडेक्स को हम लोग चेक करके बता सकते हैं विच इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेटेड फार्मूला इट इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल ऑल्सो आप अगर आपका वजन और वेट डाल देते बी एम कैलकुलेशन हो जाता है आप कौन से श्रेणी में आते हैं ये भी समझ में आ जाता है uh, ये एक तरीका हो गया अगर हम लोग और और डिटेल में जाए और समझे तो एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस भी होता है जिसमें आपका शरीर का फैट ये ये बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन अब बहुत सारे जिम्स में भी देखा जाता है आजकल अब बहुत सारे फिटनेस आउटलेट्स में भी देखा जाता है वेट लॉस क्लिनिक्स सो कॉल्ड क्लिनिक्स में भी देखा जाता है टू शो हाउ मच इज़ योर बॉडी फैट वी हैव मेडिकली अप्रूव्ड मशीन्स जिसमें आपका बॉडी फ़ैट परसेंटेज कितना है आपका विसरल फैट विसरल फैट मीन्स अराउंड एबडोमिनल फैट और अंदर का ऑर्गन्स रिलेटेड जो फैट है वो समझ में आता है आपका बी समझ में आता है और uh, इसके साथ आपका शरीर में कितना मसल मास है ये समझ में आता है बोन मास कितना है शरीर में पानी का प्रमाण कितना है ये समझ में आता है अगर आपका वेट uh, आपका एज अराउंड थर्टी है उसके बेसिस पे आपका एक मेटाबॉलिक एज निकलता है वो मशीन पे सो मेटाबॉलिक एज जो है जो आपका शरीर का उम्र चल रहा है वो समझ में आता है सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स विच कैन बी सीन एंड ऑन दैट बेसिस वी ट्रीट द पेशेंट्स दिस इज वन ऑफ द मशीन विच गिव्स ऑल दिस एनालिसिस गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम लोग बात करेंगे फॉर दिस एक्यूट रिजल्ट इज़ द डेक्सा स्कैन क्योंकि ये डेक्सा स्कैन में बहुत सारा ज़्यादा चीज़ समझ में आता है जो मैंने बॉडी कंपोजिशन में बताया वो भी इसके साथ में इसमें टी स्कोर रहता है जेड स्कोर रहता है इसमें एक एंड एंड्रॉयड एंड गाइनॉइड रेशियो भी समझ में आता है तो ये क्या ये क्या है ये हम लोग आगे डेफिनेटली चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे रेशो समझ में आते हैं सो so, ये बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आप नॉर्मल वेट हो ओवरवेट uh, हो कि ओबेसिटी कैटेगरी में जा रहे हो सो दिस आर द फ्यू पैरामीटर्स विच वी कैन सी सो so, अब जब एक इंसान को पता चल गया है दैट वो मोटापे का या ओबेसिटी का शिकार हो गया है uh, जो मेजर कॉजेज इस चीज़ के हम देखते हैं इन in इंडिया या ऑल ओवर द ग्लोब क्या मेजर रीजंस बाहर आते हैं कि हमें पता चलता है ओके द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ओबेसिटी ओबेसिटी का बढ़ने का चांसेस बहुत सारे चीज़ पे निर्भर करता है अगर वेरी पिन पॉइंट अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूँ कि एक ही लाइन में ख़त्म हो जाए तो लाइफ स्टाइल है सो वॉट लाइफ स्टाइल यू आर लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो ये लाइफ स्टाइल कौन से चीज में आती है जैसे कि, कि आप क्या खाना खा रहे हो वॉट इज द फूड यू आर ईटिंग वॉट टाइप ऑफ फूड यू आर नॉट ईटिंग इरेग्यूलर मील हैबिट्स नॉट हैविंग ऑट गुड टाइमिंग्स लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे एक्टिविटीज़ आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट्स काफ़ी कम होती है uh, जैसे कि अगर आप स्टेशन uh, रोड uh, जाते हो स्टेशन के लिए जाते हो ट्रेन पकड़ते हो तो आपको लगता है कि मैं तो उस घर से स्टेशन तक चल के जा रहा हूँ तो मेरा इतना फिजिकल एक्टिविटी बहुत है बट ये एक बॉडी को यूज़ uh, टू रहता है कि ये आदमी इतना चलता ही है सो दिस इज़ नॉट काउंटेड एज अ फिजिकल एक्टिविटी येस ही इज़ बट नॉट डेडिकेटेडली टूवर्ड्स हिज बॉडी सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और लेस नो फिजिकल एक्टिविटी और स्लिप पैटर्न स्लिप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्लिप डिप्रीवेशन जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस के वजह से नींद कम रहता है एंड अनदर जो स्ट्रेस मैंने बोल दिया एक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके वजह से बहुत सारी बीमारी बढ़ जाती है जैसे भी मोटापा है ओबेसिटी है और hmm. शुगर्स uh, है एंड लॉट मेनी अदर डिजीज रिलेटेड टू द स्ट्रेस ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जिसके वजह से ओबेसिटी बढ़ती है माइंडफुल नॉट हैविंग माइंडफुल लीटिंग लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी स्लिप डिप्रिवेशन लेस स्लिप पैटर्न स्ट्रेस फैक्टर्स एंड अनदर इंपोर्टेंट पार्ट इज स्क्रीन टाइमिंग्स स्क्रीन टाइमिंग इज व्हाट वी इंक्लूड इन आर हिस्ट्री इन आवर ड बिकॉज कितनी घंट गंत, कितना घंटा है आप स्क्रीन uh, पे हो वो मोबाइल हो डेस्कटॉप uh, हो और टीवी हो mm -hmm. तो आपका प्रोफेशन कैसा है अगर आप डेस्कटॉप uh, पे ही पूरा दिन काम कर रहे हो तो वो स्क्रीन टाइम कैलकुलेट होता है mm -hmm. आपका मोबाइल जो है उसका स्क्रीन टाइम कैलकुलेट होता है सो so, अराउंड 24 फोर आवर्स

तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नीड करते हैं हमारी मोटापे के ओबेसिटी के लिए बट yes. uh, लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि अगर हम सिर्फ हमारा खाना बदल देंगे हुँ. या खाने को कट डाउन करेंगे तो भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब कि हम हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ uh, अगर कोई इंसान कॉपरेट uh, में काम कर रहा है कॉपरेट में वो वर्कर है एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक घंटा जाके रोज जिम में जाए या फिर वो वॉक करे तो क्या वो केस में वो सिर्फ खाने से वो चीज को कट डाउन कर सकता है कैन ही प्रिवेंट ओबेसिटी इन दैट केस डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द वेट लॉस जितना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होगा उनका डाइटरी हैबिट्स चेंज होगा सो दे कैन लूज द वेट विद दैट बट अगेन वो एक सर्टन लिमिट तक वेट लॉस कर सकते हैं क्योंकि इफ फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं है तो एक सर्टन अमाउंट के वेट के बाद दे कांड गो बियॉन्ड दैट वेट लॉस सो आपको एक्सरसाइज इक्वली इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ डाइट और एक्सरसाइजेज नहीं कहूँगा इट्स अ होलोस्टिक वे ऑफ लूजिंग द वेट इफ होलोस्टिक अप्रोच नहीं रहा वेट लॉस में देन यू इधर शेड डाउन वेरी फ्यू केजेस और यू गेट प्लेटो टू दैट ये हॉलोस्टिक वेट में आपका एक डाइट कंट्रोल विद द जिमिंग आई एम नॉट सेइंग ओनली जिमिंग फिजिकल एक्टिविटी स्क्रीन टाइमिंग्स

तो क्या जिम हम कंसिडर करते हैं कि ये चीज परमानेंट है या सिर्फ आपको बस जब तक आप कर रहे हो तब तक हेल्प करेगी बट वेन यू स्टॉप इट इट गोन यू प्रॉब्लम तो क्या आपको लगता है जिम जस्ट अ हैरी सोल्यूशन यू सी आई दे कैन गो फॉर अ लॉन्गर रन या

ये है कि करना क्या है सो वेट लॉस और वेट रि मेंटेनेंस के लिए एक अलग से रिकमेंडेशन गाइडलाइंस होती है जहाँ पे हम लोग फिट एक्सरसाइजेस बोलते हैं एफ आई टी टी जिसमें फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी टाइप एंड टाइम ऑफ एक्सरसाइजेस इसको दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है एक कार्डियो एक्सरसाइजेस और दूसरा एक रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस तो ये दोनों को अगर आप इक्वली मेंटेन करते हो जो कि आपका नॉर्मल घर पे जैसे रेजिस्टेंट बैंड्स के साथ अगर एक्सरसाइज कर लेते हो सो दैट इज वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज कार्डियो में अगर हम बात करेंगे ब्रिस्क वॉकिंग इज गुड इनफ ऑफ एक्सरसाइजेस ब्रिस्क वॉकिंग है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो जॉगिंग कर सकते हो सो डिपेंडिंग वट टाइप ऑफ पेशेंट यू आर इफ यू आर हैविंग नी प्रॉब्लम्स वी कैन आज देम फॉर जॉगिंग बट वी कैन ऑफ्ट फॉर ब्रिस्क वॉकिंग फॉर देम सो ये एक प्रकार हो गया प्लस रेजिस्टेंट एक्सरसाइज दे दिए विथ कोर एक्सरसाइजेस

हैबिट्स टू गेट इन कंट्रोल अंडर यू स्ट्रेस वॉज कंट्रोलिंग यू बट नाउ यू विल बी कंट्रोलिंग द स्ट्रेस दैट इज वॉट योगा विल हेल्प यू आउट विद दैट सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज कैलरीज ऑफ डाइट इज डिफरेंट एक्सरसाइजिंग इज डिफरेंट योगा वुड भी डिफरेंट सो अगेन वही चीज़ है कि हॉलोस्टिक वे में अगर हम सब करते हैं इन अ बैलेंस्ड वे आई एम नॉट से तुम दो घंटा जिम करो दो घंटा योगा करो सब चीज अगर हाफ हाफ आर आप डिवाइड कर लेते हो थोड़ा थोड़ा टाइम मेंटेन नाइस अच्छा तो ये से ये समझ में आता है कि चार पांच चीजों से हम अच्छे से वेट लॉस और ओबेसिटी से दूर हो सकते हैं तो लोगों को ये जानना होता है कि हम क्या चीजों को प्रिवेंट करें और क्या चीजों को इंक्लूड करें इन द डायट सो so, अगर आप वो हमें बता पाएंगे सो इट विल बी वेरी गुड फॉर आर ऑडियंस सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल वेट लॉस फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी एंड वेर एल्स अंडरस्टैंडिंग वॉट टू इट वॉट नॉट टू इट इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर द पेशेंट क्या खाना चाहिए तो एक बैलेंसड मील इज इम्पॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि मैं आज सिर्फ प्रोटीन खा लूँ और मैं आज सिर्फ फैट खा लूँ नहीं तो कार्ब्स खा लूँ एवरीथिंग इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हैव क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन लोग वेट लॉस बहुत फास्ट कर लेते हैं और उन लोग का वेट लॉस हो भी जाता है बट लॉन्गर रन में वी सी दैम कि उन लोग न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज में जाते हैं सो हैविंग एवरीथिंग इन पोर्शन कंट्रोल विद गुड अमाउंट ऑफ फैट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन इज रियली हेल्पफुल फॉर देम वॉट टू अवॉइड इज मोर ऑफ जंक फूड विच इज़ गिविंग गुड टेस्ट टू दर्ड्स टू द टंग वो सब चीज़ को अवॉयड करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा uh, ये कहने की बात है प्रैक्टिकली कितना कर सकते हैं वो एक बड़ा टास्क है मगर एज अ

Uh, इनका छबीनेस देखने से ज़्यादा उनका फिटनेस कितना है ये देखना चाहिए uh, कई बार थिन uh, परसनैलिटी uh, पे uh, लोग भी रहते हैं जिनको बहुत सारी बीमारियाँ निकलती है दैट डजन मीन की दे आर फिट इट इज़ अनफिट फॉर देम बट इफ इज बिट छबी साइड बट इज हैविंग ऑल द फिटनेस पार्ट इट इज टेकन इन अ पॉजिटिव वे नो डाउट सो देर आर सर्टन द बॉडी इज हैविंग सर्टन कैपेसिटी टू लूज सर्टन अमाउंट ऑफ फैट Where he is losing it, but at the same time is performing all the activities which is required for the sports and to win for India is more important, which is having the qualities. So why to uh, go for his chaviness or You should look for the fitness, and that is what we are looking for as for the patients also to treat obesity. We look upon their fitness, Ki how much is their fat percentage, how much is their muscle mass, how much is the water percentage, because treatment ke time pe, as so called there are a lot of clinics.

दोनों से आप वेट लॉस तो कर लोगे लेकिन उसके बाद में आपको शायद और डिजीजेस आएंगे अगर यू डू इट ऑन द द द अनहेल्दी साइड वेरी ट्रू करेक्ट सो सो देयर पार्ट इज इज इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट इट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू गेन जो प्रोसेस है yeah. उसका वो हेल्दी है या नहीं yes. उससे हम बता सकते हैं कि दिस पर्सन इज हेल्दी और इज अनहेल्दी रादर द सेम थिंग आई वुड से इट इज नॉट अबाउट लूजिंग द वेट इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू गेन सो so, आपका कौन सा क्वालिटी ऑफ लाइफ गेन हो रहा है वो ज्यादा देखो सिर्फ वजन का नंबर्स मत देखो इट इज अबाउट लूजिंग द फैट विसरल फैट एंड मेंटेनिंग द मसल मास एंड वाटर इन योर बॉडी देर इज नो फन ऑफ लूजिंग जस्ट द वेट दैट नंबर गोइंग डाउन

अलग टाइप के वाटर्स आ रहे हैं अलग टाइप के जूसेस आ रहे हैं जिसको प्रमोट किया है वेट लॉस के लिए तो ये कई हद तक सिमिलर है कि उन लोग ने वेट लॉस किया है जैसे मैंने कहा कि कैसे टाइप का वेट उन्होंने कम किया है कि उनका अगर सिर्फ मसल मास लॉस हो रहा है कि वाटर परसेंटेज लो हो रहा है तो वजन उस वजह से कम हो रहा है देन इट इज नॉट गुड तो मतलब वो वही ब्रैकेट में में होता है अनहेल्दी अनहेल्दी वेट लॉस सो कई बार ये चीज हम नजर नजरअंदाज कर देते हैं कि कैसे वेट लॉस हुआ है अगर फैट लॉस हो रहा है नथिंग लाइक इट देन यू शुड गो फॉर दैट वाटर एंड दैट जूसेज प्लीज टेल मी आर दोज आई वन आई विल ऑफ फॉर दैट सो वी डोंट नो अबाउट दैट बट डेफिनेटली विथ दैट मार्केटिंग जो आ रहा है सोशल मीडिया पर और जो सेलिब्रिटीज भी ऑप्ट कर रहे हैं ले रहे बट लोगों ने उनके पीछे ये ये फूड पैकेट लेने के अलावा भी क्या कर रहे हैं एक्सरसाइजिस ये भी लोगों ने समझना चाहिए सिर्फ वो खरीद के मेरा वजन जाएगा इट्स इट्स अ मिथ आई कैन से सो वो मार्केट में जो है सोशल मीडिया पे आ रहा है विच इज फाइन बट अगेन द वे ऑफ लूजिंग द वेट इज मोर इंपॉर्टेंट वॉट यू लूज इज मोर इंपॉर्टेंट सो सोच समझ के लीजे, जो भी है जो कह रहे हो आप और उस हिसाब से आप वेट लॉस कीजिए सो so, मतलब एक वेट लॉस जर्नी में एक डॉक्टर का आपके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट इफ ओबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप ऐसे किसी थर्ड पार्टी जाके नॉर्मली किसी शॉप पर या किसी ड्रिंक लेके यू शुड नॉट प्रेफरेबली लूज

जब भी, भी हम वेट लॉस की बात करते हैं साइमटेनियसली फास्टिंग भी एक पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है और आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग जिसमें है इंटरमीडियंट फास्टिंग कीटो डाइट एंड बहुत सारी अलग टाइप ऑफ फास्टिंग तो ये कितने हद तक हेल्दी फास्टिंग है और ये कितने हद तक बेनिफिशियल है सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फॉलो लाइक दे दे कम फॉर वेट लॉस फर्स्ट आई आई एम फॉलोइंग एंड फास्टिंग मेरा वेट तो गया बट मैंने वापस वेट गेन कर लिया दूसरे टाइप के, so so के लोग आते हैं कि आई एम ट्राइंग द इंटरमीडियंट फास्टिंग इट इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर मी ये एक सेकेंड कैटेगरी हो गई और थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि आई एम फॉलोइंग द इंटरमीडियंट फास्टिंग बट आई एम नॉट एबल टू लूज वेट सो नॉट लूजिंग वेट आई लॉस गुड इनफ आई लॉस बट आई गेन बैक सो ये तीनों अलग अलग टाइप के लोग आते हैं जिसपे हम लोग चर्चा करते तो समझ में आता है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कई प्रकार के होते हैं जिन लोग वेट लॉस कर लेते हैं दे लूज आउट अगेन वेरी फास्ट लूजिंग क्विक इज अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज यू गेन दैट बैक अगेन उसको यू यो, यो टाइप इफेक्ट कहते हैं हम लोग कि आपने वेट लॉस भी किया वापस गेन भी कर लिया सर हेल्दी वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लूजिंग आउट वन टू टू केजिज पर वीक इज आइडली लूजिंग आउट अ गुड वेट बिकॉज यू डोंट गेन दैट बैक इजिली सो दैट इज इंपॉर्टेंट यू यो टाइप का हमने बात किया और कुछ लोग हैं जिन लोग कितना भी इंटरमीटन फास्टिंग्स फास्टिंग्स कर ले और डाइट कर ले दे डोंट लूज द वेट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर पैरामीटर्स देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लिविंग सो अगेन होलोस्टिक वे इज रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग्स जहाँ पे हम लोग देखते हैं देर आर सेवन एट टाइप्स ऑफ फास्टिंग पीपल गो फॉर इट सो इधर इट इज़ फाइव टू टू रेशो जहाँ पे फाइव डेज पीपल गो फॉर नॉर्मल डाइट टू डेज दे गो फॉर फास्टिंग That also gives a good calorie restrictions for two days, so they start losing the weight or they maintain that. Uh, second is like people go for like uh, 8 to uh, 16 to 8 hours, pe 16 hours uh, they are fasting 8 hours, mein. they have two meals. One day meal is also one part of it, they go for just one day meal and they lose down weight with that. Apart from that, there is partial fasting, uh, liquid fasting, juice fasting, milk fasting. Also, we have tried for. Uh, one of our very uh, good friend i can say she was getting into indian air force and she was in just overweight uh, bracket that time and the milk fasting which i recently uh, searched for it where it is sending the patient to ketogenesis i tried and discussed with that uh, lady and uh, uh, she was happy and fine with that so we opted for a milk diet so whenever you are hungry you go for consuming the milk so either it could be some essence to it to give the taste. Uh, initially, one, two days is tough, but she lost good weight and she's with Indian Air Force today. So this is also we have tried. There are different types of fasting. Again, a very important part here is how much time you can sustain this fasting, how much duration, how long you can do it is very important. Because if you can't sustain that for longer duration, it uh, rebounds that back. तो मतलब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी इज ओनली द गेम आप फास्टिंग कर लोगे एक महीने में लूज कर लोगे शायद फिर नेक्स्ट मंथ सेम वापस इट प्लाउ बैक बट अगर आप कंसिस्टेंट हो फास्टिंग ओनली यू कैन लूज वेट करेक्ट रान लूजिंगली पीपल मे लूज इट एंड बट टू में टास्क सो वेट मैनेजमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट That's why we see yo-yo effect. What I was saying, you lose weight, you gain weight. It is because obesity is a disease now. Uh, it is a disease, and it requires a longer duration of treatment. It is just like a disease, like obesity is equivalent to just like uh, diabetes. Uh, it could be because like uh, thyroids, or could be like hypertensions, which is a chronic disease, and it requires treatment for longer duration of time.

uh, It will affect the blood sugars and insulin parameters of the body. Uh, जब skip कर देते हो आपको लगता है कि आपने calorie restriction कर लिया है, but definitely it is not that way because next meal जब आपका आने वाला है you end up eating more calories in that. So ideally it should be avoided. So जब हम weight loss की बात करते हैं तो बहुत सारी treatments available हैं जिसमें से जो top पे लोग prefer कर लेते हैं या देखते हैं वो injections हैं. सो so, जो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं क्या है so, ये बेनिफिशियल एंड इट गुड टू टेक? ये बेसिकली जो मार्केट का आप बात कर रहे हो इंडियन मार्केट्स में जो है और मे बी है तो ये एक्चुअली अभी तक एफ डी अप्रूव नहीं है फॉर वेट लॉस इन इंडिया इट इज अप्रूव्ड इन यू एस यू एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी है जो हमने देखा है पढ़ा है उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा भी हुआ है डिबेट भी हुआ है कि उन्होंने ये इंजेक्शन्स लेके अच्छा खासा वजन भी घटा लिया है लेकिन ये कितना वज़न घटाया ये हेल्दी है ये जानना जरूरी है क्योंकि उन्होंने वेट लॉस तो कर लिया है इट इज़ वर्क गुड फॉर देम मगर कुछ कारणों के वजह से ये इंजेक्शन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थी कुछ टाइम तक तभी यही सेलिब्रिटीज़ ने वापस उतना ही वज़न बढ़ा लिया और जितना घटाया था उतना ही बढ़ा लिया सो इट इज अगेन अ शॉर्ट टर्म थिंग बिकॉज ओबेसिटी इज अ डिजीज जैसे हमने कहा इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है तो लाइफ स्टाइल चेंजेस और ये मेडिकेशन अगर साथ में लेंगे तो रिजल्ट अच्छा और लंबे टाइम तक मिलेगा सो इट इज सेफ टू टेक अनलेस इट इज अप्रूव एंड हाउ मच रिजल्ट आपको दिखते हैं ये सब्जेक्टिव होता है और वेरी इंपॉर्टेंटली ये मैं कहूंगा कि ये ओवर द काउंटर्स जो अवेबिलिटी है ये इंजेक्शंस की इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी शुड बी देयर टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इंजेक्शंस एंड ड्रग्स बिकॉज इफ इट इज़ नॉट अंडर सुपरविजन इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम किसी को हमने दे दिया ट्रीटमेंट और किसी ने उसको ईजीली अवेबल हो गया इसके लिए ले लिया बट एट द सेम टाइम उन्हीं लोगों को बहुत सारा इश्यूज़ भी फेस करना पड़ा है गैस्ट्राइटिस uh, है पैनक है कुछ टाइप के इशूज़ है uh, जिनके वजह से ये अप हो चुका है तो अंडर सुपरविजन बहुत लेना जरूरी है ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टर ये चीज़ देखी जाती है सबकी बॉडी सेम नहीं है पीपल हैव डिजीजेस अगर किसी पर्सन ने जिसने जिसको डायबिटीज़ है उसने एकदम रैंडमली उसको अवेलेबली अवेलेबिलिटी मिल गई उस मेडिसिन की या वो इंजेक्शन की उसने ले लिया बट इफ़ इट डजेंट वर्कआउट फॉर दैट पर्सन उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, quality, जो भी हमको है उनको पता ही नहीं है कि कितने कितने टाइम पे करना चाहिए अपने इंडिया में अच्छा है कि ये इजिली अगर कुछ पिल्स भी आते हैं इंजेक्शन hmm. के अलावा कुछ दवाइया भी अवेलेबल है विच आर अप्रूव फॉर डायबिटीज बट एट द सेम टाइम उनकी वजह से वेट लॉस भी देखा जाता है तो बहुत लोगों को लगता रही दिस इज़ वेरी नाइस एंड दे गो फॉर इट बट ऐसे टाइम पे उन लोगों ने वजन तो घटाया बट बाकी चीज़ों का भी बहुत उनको इश्यूज़ फेस होने लग गया है बहुत सारे लोग अभी भी ले रहे हैं ऐसा नहीं कोई नहीं ले रहा है बहुत सारे प्रमाण में लोग ले रहे हैं बट कितना सेफ है उनके बॉडी के लिए ये समझना ज़रूरी है एंड अगेन डॉक्टर्स इन्वॉल्वमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट अंडर सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डोंट गो फॉर जस्ट ब्लाइंड डोसेजेस डोन्ट गो फॉर क्योंकि कहीं ना कहीं लोग खाना है तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि चलो ना अपने लाइफ के साथ अगर हमको कुछ मिल रहा है जिससे हम इजिली कर सकते हैं so yeah. yeah. इस चीज yes. पे थोड़ा ध्यान देना बहुत, बहुत जरूरी जरुण। है Definitely. सो so, जो ये वेट लॉस के पिल्स हैं नहीं तो इंजेक्शनस जो ले रहे लोग इसको अंडर सुपरविजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है विदाउट सुपरविजन इट कुड बी वेरी रिस्की फॉर यू ऑल तो आज ये माध्यम से मैं कहूँगा कि डू इट अंडर सुपरविजन क्योंकि ये जनहित के लिए जारी है हमने बात कर लिया वेरियस ट्रीटमेंट्स जैसे इंजेक्शन पिल्स की बट बहुत ज्यादा क्लिनिक्स भी अवेलेबल है एंड ऐसे क्लिनिक्स हैं जो फॉल्स क्लेम भी करते हैं कि हम आपका इतने महीने में इतना वजन घटा देंगे इतने पैसे में पर के के हिसाब से आपका वेट लॉस होगा इतने पैसे दे के तो uh, क्या ये क्लिनिक्स पे एक्चुअली ट्रस्ट किया जा सकता है एंड इसमें ऑब्वियसली कुछ क्लिनिक्स होंगे जो ऑथेंटिक है तो इन्हें हम कैसे सेग्रीगेट करें वाह दिसरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई कैन से बिकॉज इनको कैसे ट्रस्ट किया जाए इट्स वेरी सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट जानकारी लेनी जरूरी है उसके लिए कि आपको कौन ट्रीट कर रहा है और कैसे ट्रीट कर रहा है क्योंकि जो ये वेट लॉस क्लिनिक्स है उसमें हमारा भी एक क्लिनिक आता है मगर हम साइंस बेसिस पे वेट लॉस कर रहे हैं एंड लूजिंग वेट ये एक मैजिक नहीं है इट इज़ नॉट अ मैजिक इट इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस ऑफ लूजिंग द वेट आई कैन से बिकॉज जितना टफ है ये चीज़ करने को आ, ये नॉर्मल क्लिनिक्स uh, पता नहीं कैसे कर सकते अगर वो क्लेम करते हैं कि हम इतना वजन घटा देते हैं ये कौन से टाइप का वजन घटना है क्योंकि आपका वजन बन रहा है बिकॉज ऑफ मास बिकॉज ऑफ फैट विसरल फैट बोन मास एंड वाटर तो आप जो वजन घटा रहे हो ये पांचों में से क्या लूज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है mm. अगर आप वाटर लूज कर रहे हो दो तीन किलो का और विच इज नॉट अ गुड वे ऑफ लूजिंग वेट सो वॉट टाइप ऑफ वेट योर लूजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट या सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सब्जेक्टिव आप किधर और किस प्रकार से वेट लॉस कर रहे हो mm. हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमको तो वो क्लिनिक ऐसा इतना वेट लॉस करा के दे रहा है आप कैसे करोगे सो mm. अगेन so हमारा ये काम नहीं कि हम वजन घटाने बैठे हैं वी आर नॉट देर फॉर वेट लॉस वी आर देर फॉर हेल्दी वेट लॉस एंड फिटनेस ऑफ अ पर्सन कि आप कितने लंबे टाइम तक मेटाबोलिक डिजीजे से दूर रह सकते हो ये हमारा मेन उद्दिष है तो मतलब लेकिन तभी भी क्लिनिक्स तो ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं कि पांच किलो घटा देंगे इतना किलो घटा देंगे तो वो ट्रू है या नहीं वापस वही सवाल है क्योंकि ये कैसे प्रकार का वेट लॉस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है तो ये मसल मास लॉस करा रहे हैं कि वाटर करा रहे हैं अगर फैट करा रहे तो बहुत अच्छा है और कितने टाइम में करा रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एज अ डॉक्टर हियर बिकॉज आई डोंट नो हाउ पीपल क्लेम कि हम लोग इतना वजन तुरंत घटा देते हैं अगर हम कुछ प्रोसीजर्स और कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आप कितना वजन घटाते हो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर और ड्यूरिंग द जर्नी कि आप कितना घटाओगे बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू पेशेंट टू पेशेंट एवरी बॉडी इज डिफरेंट हर एक का शरीर अलग है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वो ट्रीटमेंट पे आप कितना इन्वॉल्व रहते हो वो ट्रीटमेंट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बेसिस पे ही आपका वजन कितना जाएगा

फ्यू कॉमन मिस्टेक्स वॉट यू डू वाइल लूजिंग द वेट कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कर सकते हो वो है स्कीपिंग मिल्स आप मिल्स को स्किप कर रहे हो वह एक है दूसरा चीज नॉट फोकसिंग ऑन प्रोटीन प्रोटीन पर ध्यान नहीं दे रहे हो कितना खा रहे हो टू मच इन्वॉल्व विथ लो फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट क्योंकि सिर्फ उतना ही आप मेंटेन करोगे तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन पर कितना मेंटेन कर पाओगे इज अ टास्क सो हैविंग हेल्थी एंड बैलेंस मिल इज इम्पॉर्टेंट सिर्फ लिक्विड पे ध्यान न देना आपको लगता है कि पानी पिएगा तो ऐसे भी है कि जिन लोगों को लगता है पानी पिएंगे तो वजन बढ़ रहा है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी हाइड्रेटेड स्लिप डिप्रीवेशन अगर स्लिप पैटर्न बराबर नहीं रहा कम नींद हुई तो भी प्रॉब्लम है और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस हैबिट्स हाउ मच यू आर माइंडफुल विथ योर स्ट्रेस फूड एक्सरसाइजेस इज एवरीथिंग इंपॉर्टेंट सो दिस फ्यू कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड वाई लूजिंग द वेट सो so डॉक आपने अभी मैं किए वॉट आर द डोंट्स बट अगर हम डोस पे ध्यान दें फॉर वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस जो कंसिस्टेंसी से रहेगा तो वो क्या है वेरी इंपॉर्टेंटली इट्स गोइंग इन अलोस्टिक वे टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट टोटल कैलरी रिस्ट्रिक्शन कितना कैलोरीज आप खा रहे हो दिन का वो इंपॉर्टेंट है दूसरा इज अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी हाउ मोबिलाइजिंग यू आर यू आर थ्रू आउट द डे इज इंपॉर्टेंट थर्ड इज अबाउट द स्क्रीन टाइमिंग विच आई मैंशन हाउ मच टाइम यू आर ऑन द स्क्रीन स्लीप पैटर्न वेदर इट इज डिस्टर्ब और नॉट सो स्लीप प्ले इज अ व वेरी इंपॉर्टेंट रोल यर अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट मेडिकेशन यू आर ऑन विच आर इफ सबम इज ऑन मेडिसिन तो उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यू आर एनवायरमेंट आप कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हो वह एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू आर इन एटमोसफियर जहाँ पे एवरी वन इज टूवर्ड्स द जंक फूड दैन यू ऑल्सो ऑफॉर दैट फोर्थ पार्ट इज अबाउट मेंटेनिंग योर गट माइक्रोबायोटा गट माइक्रोबायोटा मीन्स अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुड एंड बैड विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन सो गट माइक्रोबायोटाट मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एक अलग से ही पूरा टॉपिक है जिसके लिए हम लोग अलग से प्रोडकास्ट कर सकते हैं बिकॉज गट माइक्रोबायोटा हेल्दी हेल्दी गट माइक्रोबायोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी so as i mentioned about metabolism and metabolic diseases couple of times let me tell our viewers and friends that metabolic diseases is including not only weight loss we are not here just to lose the weight we are treating on diversity part that is diabetes plus obesity uh, metabolic issues like uh, hypertension pcod thyroids uh, then sleep apnea which is required for weight loss अभी तक हमें ये भी पता है किस मी नो दैट सर्जरी इज नॉट योर थिंग एंड यू ट्रीट मोर इंटू फिजिशन सो so, uh, जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो नॉन सर्जिकल मेथर्ड्स का एक एंट्री हो जाता है तो जो ये नॉन सर्जिकल वेज है ये कौन से मेथड्स हैं विच यू यूज ऑन योर पेशेंट्स फॉर देयर वेट लॉस जर्नी सो वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव पेशेंट्स हु आर इन ओवरवेट कैटेगरीज ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी सो दे आर इधर हैलेस्ट्रोल्स पी पीसीओडी और से थायराइड इश्यूज सो वी आर ट्रीटिंग ऑल द रिलेटेड पार्ट ऑफ इट इन ट्रेडिशनल वे इन अ ट्रेडिशनल वे मीन्स फॉलोइंग द डाइट एक्सरसाइजेस गिविंग देम काउंसलिंग पार्ट and putting their lifestyle in some pipeline or some way where they can start losing the weight with their other parameters in control second option we have a, a endoscopic bariatric procedures where we do endoscopic and uh, insert a balloon into the stomach and that balloon is staying there for a year and after that we remove that back with this balloon there is a portion control the food what you are having is in portion control यू रिस्ट्रिक्ट द कैलरीज विद डैट देर इज़ डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग सो यूजअली एक दो जन हम लोग पकड़ेंगे तो दो तीन घंटे के बाद अपने को भूख लगती है सो so, यूजअली ये बलून के साथ ये जो टाइम uh, फ्रेम होता है दो तीन घंटे का इट प्रोलॉन्ग्स दैट इज़ वाई गैस्ट्रिक डिलेड एम्पटिंग इज देर विथ ऑल दिस मेटाबोलिक पैरामीटर्स होती है बॉडी में जिसके वजह से ज़्यादा भूख लगती है सटाइटी बढ़ती है मतलब भूख ज़्यादा लगती है वो सटाइटी मेंटेन होती है सो दिस इज वन ऑप्शन ऑफ एंडोस्कोपिक बैराट्रिक प्रोसीजर्स देर इज एंडोस्कोपिक स्लिव एस्ट्रोप्लास्टी ऑल्सो जहाँ पे स्टमक को स्लिव किया जाता है एंडोस्कोपिक के द्वारा ये है बाद में और एक चीज़ आती है जिसको हम लोग बॉडी लाइट बलून विथ एल्यूरियॉन कहते हैं जहाँ पे एक कैप्सूल अ पिल इज गिवन विच इज अ बलून सो पिल को हम लोग एक uh, पानी के द्वारा जैसे हम लोग कैप्सूल लेते हैं वैसे दिया जाता है वो अंदर जाके फंडस uh, में स्टमक में जाता है उसको कंफर्म कर लेते हैं और उसको सल्यूशन के साथ इन्फ्लेट किया जाता है सो so, वो अंदर जाके एक बलून बन जाता है सेम वे पोर्शन कंट्रोल इज देयर सटाइटिस मेंटेन डिलेड गैस्ट्रिक एमटिंग इज देयर एंड विद दिस यू स्टार्ट लूजिंग द वेट ये कैप्सूल को वापस एंडोस्कोपी के द्वारा नहीं निकालते मगर ये डिग्रेड हो जाता है सिक्सटीन वीक्स के बाद और वो पास थ्रू द स्टूल्स हो जाता है सो विथ दिस यू सी द वेट लॉस ऑफ अराउंड 12 to 15 to 18 percent, depending how you are involved in the entire journey, because uh, weight loss is again, I said, is a serious business, and how much you are involved in that, it will the results will vary. And we have seen 10, 12, 15, 18, and more than 30 percent also patients who have given beyond the weight loss. Also, mm -hmm. so these are the few things uh, which we offer non surgical options for weight loss. Bariatric surgeries are there. It has its own charm where we feel the patients require it, then they should offer it. Picking a good candidate for this mild to moderate obesity bahut ज़्यादा important hai mm. So agar ye non surgical ka baat karta hu I can just tell that कि uh, to be bride, mm. to be groom. अगर आप शादी कर रहे हो और शादी होने वाली है, mm. पांचे महीने में आपकी और आपको वजन घटाना, this could be an ideal option because this is a reversible, innovative.

It is about the quality of life you gain. Thank you so much. Thank you so much, sir.